बैंक खाता धारकों को चीनी हैकर से सावधान रहने की जरूरत है। बीते कुछ दिनों में SBI के ग्राहकों को इन हैकर्स के साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है। KYC और फ्री गिफ्ट के जाल में फंसाकर चीनी हैकर्स खाता धारकों की रकम ऐंठने में लगे हुए हैं। बैंक ग्राहकों को चीनी हैकर्स KYC के बहाने टारगेट कर रहे हैं। चीनी हैकर्स फिशिंग स्कैम के साथ बैंक ग्राहकों को KYC अपडेट करने का लिंक भेज रहे हैं, साथ ही व्हाट्सएप मैसेज की मदद से 50 लाख रुपए के फ्री गिफ्ट्स का झांसा देकर भी चीनी हैकर्स बैंक ग्राहकों को ठगने की फिराक में है। इस बात का खुलासा थिंक टैंक साइबर पीस फाउंडेशन ने किया है। फाउंडेशन की रिसर्च विंग ने ऑटोबोट इन्फोसेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर SBI के नाम पर हुई दो ऐसी घटनाओं की स्टडी के बाद ये दावा किया है। इनमें जिन डोमेन का इस्तेमाल किया गया है वो चीन से जुड़े हैं। हमेशा एक काम आप जरूर कीजिए कि आपके अपने जो नेट बैंकिंग है या आपका जो मोबाइल बैंकिंग है उसमें 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर रखिए। इसका मतलब है कि आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड तो देंगे ही, हर एक ट्रांजैक्शन से पहले हमेशा आपके पास एक SMS जरूर आएगा। उससे क्या होगा कि सपोज आपके पास एकदम आपके पास मैसेज आया कि कोई आप सोना खरीद रहे हैं, आप तो ऑफिस में बैठे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी ने आपका अकाउंट हैक किया है। वो नेट बैंकिंग किया है या मोबाइल बैंकिंग किया है, कोई आपके अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहा है, तभी आप अलर्ट कर देंगे। चीनी हैकर्स की इस तरकीब का विस्तार से खुलासा किया है। ठगी के इस तरीके में हैकर्स ने ग्राहक को KYC वेरिफिकेशन के लिंक के साथ टेक्स्ट मैसेज किया। जब लिंक को ओपन किया गया तब लैंडिंग पेज ऑफिशियल SBI की तरह ही खुला। इसमें KYC डिटेल को पूरा करने के लिए कंटिन्यू टू लॉगिन बटन दिया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट की तरह ग्राहक से बैंकिंग लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड जैसी कॉन्फिडेंशियल डिटेल के साथ कैप्चा भी मांगता है। इसके बाद यूजर के मोबाइल नंबर पर आए OTP के लिए पूछता है। यहाँ जैसे ही OTP दर्ज करते हैं यूजर को दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करता है। यहाँ यूजर को अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि जैसी कुछ गोपनीय जानकारी फिर से दर्ज करने के लिए कहा जाता है। सारा डेटा देने के बाद यूजर को एक बार फिर OTP डालने को कहता है। इन सारी प्रक्रिया को ग्राहक SBI का ऑफिशियल कम्युनिकेशन समझकर पूरा करते हैं और प्रक्रिया पूरा होने तक उनका खाता हैकर्स के कब्जे में जा चुका होता है। दूसरे केस में SBI के ग्राहकों को उनके व्हाट्सएप पर फ्री गिफ्ट देने का मैसेज किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें मैसेज में एक लिंक भी भेजा जा रहा है। इस लिंक को ओपन करते ही SBI की तरफ से ग्राहक को बधाई दी जाती है। इसके बाद उसे 50 लाख रुपए के फ्री गिफ्ट लेने के लिए एक क्विक सर्वे में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है। पेज पर नीचे की तरफ एक कमेंट बॉक्स भी दिखाया गया जहां फेसबुक यूजर्स ने कमेंट किए हैं। इन कमेंट्स में ऑफर के फायदे बताए गए हैं। रिसर्चर ने इन लिंक्स को ऐसे स्मार्टफोन पर ओपन किया जिनमें व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं था। रिसर्च ने सोशल मीडिया पर आ रहे ऐसे मैसेज को ओपन नहीं करने की सलाह दी है। लिंक के URL से पता चलता है कि इससे न सिर्फ SBI बल्कि IDFC, PNB, इंडसइंड और कोटक बैंक यूजर्स को भी शिकार बनाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।